भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अमरावती में अवैध शराब विक्रेता ने एक ही परिवार के 6 लोगों पर 4 पहिया गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती के दरियापुर के नाचोना गांव में मंगलवार शाम को गांव में अवैध रूप से शराब बेचने वाले एक शख्स ने घर के सामने बैठे एक ही परिवार पर 4 पहिया वाहन चढ़ा दिया। इस घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार अवैध शराब कारोबार करने वाले शख्स ने गांव के एक ही परिवार के लोगों पर यह हमला किया है। पुलिस ने बताया है कि हमला उस वक्त हुआ जब परिवार शाम के वक्त घर के बाहर बैठा हुआ था। इस हमले में शख्स ने पहले तो परिवार के सदस्यों पर धारदार हथियार से हमला किया और बाद में उन पर 4 पहिया गाड़ी भी चढ़ा दी। 6 लोगों को कुचल दिया इसमें। और गांव वालों के अनुसार घटना जो है ये पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना में मरने वालों की पहचान 65 साल के अनुसाया श्यामराव अंभोरे, 70 साल के श्यामराव लालूजी अंभोरे और 43 साल की अनारकली मोहन गुजर के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपी की धरपकड़ पुलिस ने तेज कर दी है। दारू चाकू भाले काढते लोक।